गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर मतलब वर्गाकार, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 10 × 10। रसोई 2.4, रसोई की लंबाई है 2.4 मीटर और चौड़ाई है 1.6 मीटर। तो हो जाएगा 2.4 × 2.4 मतलब 240, 240 सेंटीमीटर × 160 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं अपन, बटा 10 × 10, 10 × 10। तो 0 से 0, 0 से 0, 24 × 16, 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 10 से 240, 24 को 6 से करेंगे 144, 240 और 144, 384। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंबवत कहलाते हैं, उनके बीच के कोण, दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंब कोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण समकोण हो। बीच का कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 21.707 में कितना जोड़ने पर योगफल 29.053 आएगा, मतलब 21.707 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि योगफल 29.0 आएगा। तो अक्ष का मान निकालने के लिए 29.053 में से क्या घटाना पड़ेगा? 21.707, तो 5 इधर आ जाएगा, 13 13 में से 7 चला गया, तो कितना बचेगा? 6, इधर 4 का 4, इधर 9, इधर आ जाएगा 10 10 में से 7 गया तो इधर आ जाएगा 3, इधर 8 8 में से 1 चला गया 7, तो हो जाएगा 7.346। चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2800 का एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो अर्धवार्षिक की जाती है तो दर हो जाती है आधी, तो दर कितनी है? 10%, 10/2, दर हो जाएगी 5%, समय हो जाएगा 2 गुना, तो समय कितना है? 3/2 वर्ष का हो जाएगा, 2 गुना तो हो जाएगा समय 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, 3 3 1, तो 5 2800, 2800 का 5%, 140, 140 का 5%, 7, 7 का 5%, 0.007, 7 का 5% आएगा 7/100 × 5, 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 0.35। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 14 × 42, 420, 7 × 21 और 21 और 35, तो हो जाएगा 3 5 3 1 4 4, 441.35। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 था, कितना था? 200 था। यदि उसे 30% और 20% की दो क्रमागत छूट मिली, 30 की छूट मिली मतलब 70/100, 20 की छूट मिली मतलब 80/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 4 0, 2 × 7 × 8, 2 × 7 × 8, 7 × 8 = 56 × 2, 56 × 2, 112। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवा क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सरल कीजिए, 4.2 इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू 1.9 बटा बटा 2.3 इंटू 6.1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2.3 इंटू 6.1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बटा 2.3 इंटू 6.1। तो ए प्लस बी हो जाएगा 4.2 और 1.9, 4.2 और 1.9 हो जाएगा 6.1 इंटू 4.2 माइनस माइनस 1.9 का मान हो जाएगा 2.3 बटा 2.3 इंटू 6.1। तो 6.1 से 6.1, 2.3 से 2.3, इसका मान हो जाएगा 1। आगे देखें स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 10% कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 9,090 है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पर 10% की कटौती के बाद, मतलब 100 उसका अंकित मूल्य, 100 उसका अंकित मूल्य था कॉस्ट प्राइस, इस पर कितनी कितनी कटौती, 10%, 100%, तो ये हो जाएगा 90%। 90% का बराबर है 9,090 बटा 90 इंटू 100, तो एक किससे कटेगा, 101, 101 इंटू 100, 10,100। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका योग 560 है, तो छोटी संख्या का मान कितना है, अनुपात 5x और 3x योग, तो हो जाएगा 5×3 8x बराबर 560x बराबर 70। तो छोटी संख्या का मान 3×70 बराबर 210, 3×70 बराबर 210। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, यदि 15 सेमी की भुजा वाले एक घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभक्त किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो बड़े घन का आयतन बटा बटा छोटे घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 15 घन का आयतन होता है ए क्यूब, ये बड़ा का ए क्यूब बड़े का और ये ए क्यूब छोटे का, तो 15 × 15 × 15 बटा 3×3×3, ये 3 से 5 बार, ये 3 से 5 बार, ये 3 से 5 बार, 5×5×5, 5×25, 25 × 5 = 125 घन। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 50 का 860%, तो 50 का मतलब इंटू 860 बटा 100, तो 50 से दो बार ये हो जाएगा 43,230 प्लस 860 प्लस 860 का 50%, 50% के नीचे आ जाएगा 100, ये भी दो बार, तो ये इससे चला जाएगा 430, 430 और 430, 430 और 430 का मान हो जाएगा 860। आगे देखें स्टूडेंट्स, यदि √5 की घात n बराबर 5, तो ये हो जाएगा √5 की घात n बराबर 5, तो दोनों साइड वर्क करने पर 5 की घात n और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आधार समान है तो घाते बराबर होगी, तो n बराबर 2। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, 0.077/7 माइनस 0.005/5, तो पॉइंट जाएगा नीचे आ जाएगा कितना, 1000, और इधर भी पॉइंट जाएगा नीचे आ जाएगा 1000, 7 से 11 बार, ये 5 से 1 बार, 11/1000 माइनस 1/1000, 11/1000 माइनस, तो इसका मान हो जाएगा 1/10/1000, 0 से 0, तो इसका मान हो जाएगा 1
0.01। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, यदि x बराबर √9+1 बटा √9-1, √9-1, तो इसका मान हो जाएगा x का मान, x बराबर रूट की जगह आ जाएगा 3+1 बटा इधर आ जाएगा 3-1, तो इधर हो जाएगा x बराबर 3 × 4/2, तो इसका मान हो जाएगा 2। अब y का मान हो जाएगा 4+1 बटा 4-1, 4+1 बटा 4-1, 4+1 बटा 4-1, तो y बराबर हो जाएगा 5/3। तो आपको अपन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का मान हो जाएगा, तो ये होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2+5/3, 2+5/3 और हो जाएगा 2-5/3, तो 2+5/3, 5, 3 × 6, 6, 5, 11/3 इंटू 3 × 6, 6 में से 5 चला जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 11/9। आगे देखें स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 0.75/5, तो पॉइंट जाएगा नीचे आ जाएगा 100। 25 × 3 = 74, 25 × 4 = 100, 4 × 2 = 2। तो x बराबर 3 × 6/5, x बराबर 6/5, इसका मान हो जाएगा 1.2। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, दो कुर्सी और एक मेज का मूल्य ₹880 है। दो कुर्सी और एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, दो चेयर प्लस एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 880। एक चेयर प्लस दो टेबल का मूल्य हो जाएगा 980। तो इसको पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 चेयर + 2 टेबल बराबर इसका हो जाएगा 1760 इसमें से ये सेकंड वाला घटा देंगे, एक चेयर प्लस दो टेबल बराबर 980, ये इसमें से माइनस करने पर ये माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा तीन चेयर बराबर 1760 में से 980 जाएगा, तो आएगा 780। चेयर बराबर आ जाएगा 260, चेयर बराबर 260, तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए, चेयर का 260 हो जाएगा, तो चेयर 260 प्लस दो टेबल बराबर 980, तो दो टेबल बराबर 980 में से 260 जाएगा, 980 में से 260 जाएगा, तो 20 और 720 टेबल बराबर 360, टेबल बराबर 360। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो छोटे से बड़ा लिखना है, तो छोटा कितना है, 2, फिर 2, 2, 2, फिर 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, फिर 4 नहीं है, फिर 5 एक बार है, फिर 6 है एक बार, फिर 7 है एक बार, फिर 8 नहीं है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, 8, 9, तो विषम है, तो n+1 = 2, n+1/2, तो n का मान कितना है, 9+1/2, तो 9 × 10 = 5, तो 4 × 5 जाएगा, इसकी माध्यिका आ जाएगी 6, माध्यिका बराबर 6।
आगे देखें स्टूडेंट, सत्रहवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 180 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। LCM कितना है? 180। तो 180 बटा 3 60 आ जाएगी एक संख्या, तो और दूसरी संख्या आ जाएगी 180 बटा 4, यह आ जाएगी 45। पहली संख्या 60, दूसरी संख्या 45, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 60, बड़ी संख्या 60। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन, राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राजू कार्तिक से कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है? 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कार्तिक की चाल, राजू और कार्तिक की चाल, तो कार्तिक की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति हावर और राजू की चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति हावर, 10 किलोमीटर प्रति हावर। तो इनमें चालों का अंतर हो जाएगा 12 - 10 = 2 किलोमीटर आवर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18, 2 से 9 बार, तो 5/9 5/9 × 6 मिनट तक दौड़ता है, और 6 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 9 × 3 = 6, 3 × 9 = 3 से 20 बार, 20 × 40, 40 × 5 = 200 मीटर, 200 मीटर, तो 300 मीटर उनके बीच का गैप था और 200 मीटर उन्होंने दौड़ लिया, तो कितना गैप बचेगा? 100 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन, 18 - 6/3, 18 - 6/3 की जगह आ जाएगा 2 × 8 - 5, फिर मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तो ये हो जाएगा 18 - 2 × 3, तो 18 - 3 × 6 = 12। आगे देखे स्टूडेंट्स, 20वां क्वेश्चन, मेरी एक कार्य को 6 दिन में, जबकि उसका दोस्त बादर उसी कार्य को 4 दिन में, बादर उसी कार्य को 4 दिन में, मेरी 4 दिन में, जबकि मेरी प्लस बादर कितने दिन में? 4 दिन में, दोनों का लघुत्तम 12, 6 × 12 = 4 = 12, तो मेरी की स्पीड 2 की और बादर की स्पीड 1 की, तो उसका दोस्त 12 काम को उसका दोस्त बादर एक ही स्पीड से करेगा 12 दिन में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 21वां क्वेश्चन, 1 + 3 = 7, 1 + 3 में से 2 चला जाएगा 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 + 1/25 = 7, तो ये 5 से 5, 5/7 - 3/7, 3/7 + 4/14, तो इसका मान हो जाएगा 14, 3 × 6 + 4, 10/14, 10/14।
10 बटा 14 1 प्लस 3 बटा 7 इंटू 8 और 6 14 प्लस प्लस इसका मान हो जाएगा 14 लघुत्तम 5 दूनी 10 माइनस 10 10 माइनस 10 एक 10 माइनस 10 जीरो बटा 14 का मान हो जाएगा इधर जीरो। तो 7 से दो बार 1 प्लस 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा इसका मान 7। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन 12.8 का 12.8 का अक्ष अक्ष बटा 100 बराबर 38.4 38.4। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 384 इंटू 100 बटा 128। तो एक से बार जाएगा 3 बार अक्ष बराबर 300 अक्ष बराबर 300। आगे देखें स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 15 है। तो वे संख्याएं हैं 15 15 दुना 30 और 15 ती 45। आगे देखें स्टूडेंट्स रूट 176 प्लस रूट 24 01 24 01। तो रूट 176 प्लस 24 0 रूट एक रूट 24 01 का मान होता है 49। तो रूट 176 प्लस 49 हो जाएगा 225। इसका मान हो जाएगा 15। आगे देखें स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू और पी क्यू बराबर ए बी है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी और सी ए बी बराबर ये बराबर ये है। बिंदु P और Q क्रमशः BC और CA पर स्थित है। BC और CA पर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। यदि CQ कितना है 1 और QA कितना है 3, CP कितना है 4, तो BC कितना होगा, BC पूरा कितना होगा, तो हो जाएगा CQ बटा QA बराबर CP बटा PB। तो इसका मान हो जाएगा CQ 1 और QA का मान हो जाएगा 3 बराबर CP का मान हो जाएगा 4 और PB का मान अपन को निकालना है। तो PB का मान हो जाएगा 4 × 12 4 × 12। तो CB बराबर CP प्लस PB, तो CP का मान कितना है 4 प्लस PB का मान कितना है 12, 4 और 12 16। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।